भाई आप लोग एक चीज बताओ, जब रफ्तार जैसा बड़ा आर्टिस्ट आपके पास है, सिकंदर कालो जैसा बड़ा आर्टिस्ट आपके पास है, तो यार मेरे को नहीं लग रहा ये फेक व्यूज का जो गेम है ये खेलना चाहिए। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि इस गाने के अंदर जो व्यूज आए ये सारे के सारे व्यूज फेक व्यूज ये रफ्तार ने डलवाए या सिकंदर कालो ने डलवाए, लेकिन जो यहाँ पे आर्टिस्ट है जिनके चैनल पे ये गाना है, गाने मेरे को नाम इनका बोलना नहीं आ रहा, लेजरूस शायद नाम है, या गलत होते भाई माफी, बट इनके जितने भी गाने आते हैं उनके अंदर ये गेम मैं अक्सर देखता हूँ कि भाई मतलब जितने लाइक रहते हैं उतने ही व्यूज हो जाते हैं और 5 मिनट के अंदर लाखों में व्यूज पार हो जाते हैं। आप यहाँ पे खुद देखो, 3 घंटे के अंदर लगभग मिलियन पार होने वाले हैं, लगभग 3 घंटे के अंदर। यानी कि जो एक नॉर्मल गाना भी हमारे हिप हॉप के अंदर आता है या अच्छा गाना भी हिप हॉप के अंदर आता है, तो वो भी भाई 3 घंटे के अंदर 1 मिलियन नहीं पार हो पाते। और यहाँ भाई ये जो लेजरूस है सर, ये हमारे भाई, ये ऐसा ये नहीं कह रहा भाई, इनके अगर और भी गाने आप जाएंगे ना, अभी आसिफ बाली काके 1000 के साथ भी आया था खराब बंदा खराब, तो उसमें भी मैंने देखा था भाई इन्होंने 4-5 घंटे के अंदर ही मिलियन पार करवा दिए थे, वो भी ऑडियो ट्रैक पे। भाई यंगस्टर जैसा बड़ा आर्टिस्ट, चैन के जैसे बड़े आर्टिस्ट वो नहीं पार करवा पाते यार मिलियन, और ये तो यार मैं वही चीज कह रहा हूँ यार, ये तो एक तरफ रैपर्स कहते हैं कि भाई व्यूज मैटर नहीं करते हमारे लिए, मैटर नहीं करते, बट यार दूसरी तरफ गेम खेलते यार ये गलत चीज है यार। रफ्तार को भी फालतू में इसमें जो हेटर होंगे वो घसीट लेंगे, बदनाम कर देंगे, सिकंदर कालू की बदनाम कर देंगे। भाई इनके जो ट्रैक आते हैं वो अपने ट्रैक पे भी नहीं लगवाते यार, पता नहीं यार क्या मिलता है यार फेक व्यूज का गेम खेल के यार। भाई एक 1000 कमेंट भी नहीं है, 1 मिलियन व्यूज, आप खुद सोच लो 1 मिलियन का कोई सा भी आप ट्रैक उठा लो जो हमारा जो रेगुलर सुनते हैं हमारे जो देसी हिप हॉप के अंदर है, 1 मिलियन व्यूज यानी कि तकरीबन 10,000 या कम से कम भी नहीं तो भाई 5,000 कमेंट तो आराम से पार कर ही देते हैं यार। तो इसको खैर इसी चीज के लिए काफी ट्रोल भी किया जाता है भाई इन रैपर को, लेजरूस जो भी है, बट यार शट हो गया पूरा पूरा। तो ये जो गाना है जिंदर महल का थीम सॉन्ग है, एंथम सॉन्ग है, तो भाई कहीं ना कहीं चलो व्यूज जो भी है इसको साइड करो यार, हम इससे क्या लेना देना, जो हेटर्स होंगे वो जरूर इस बात को कभी ना कभी खींचेंगे, बट ये गाना कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटिंग जो इंडिया होता है वो वाला सीन यहाँ पे होने वाला है, और जो मैंने सोचा अगर वो हो गया तो और ज्यादा मजा आने वाला है। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि भाई जिंदर महल जब जब अगर फाइटिंग के लिए आएंगे WWE के अंदर रिंग के अंदर, तो मेरे को लग रहा है कि भाई इंट्रो के अंदर शायद रफ्तार का रैप या सिकंदर कालो का रैप चल सकता है, और सोच लो कि यार जब चलेगा तो एक अलग, यार मेरे को तो बहुत अच्छा लग गया, क्योंकि जब ग्रेट खली आते थे लड़ने के लिए ग्राउंड रिंग के अंदर तो भाई पंजाबी गाने चलते थे, और बड़ा मजा आता था कि यार हमारा जो गाना है हमारे जो देसी गाने वो वहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ की जो पब्लिक वो भी उसके ऊपर इंजॉय कर रही है, तो भाई वो वाला सीन हो गया तो भाई बहुत मजा आएगा, और थीम सॉन्ग है एंथम सॉन्ग है तो मेरे ख्याल से शायद बजना चाहिए तो भाई दिल बागवान हो जाएगा अगर इस तरीके कुछ हो गया। तो फिलहाल लेट्स गो करेंगे और देखेंगे क्या कुछ बातचीत की गई है महाराजा गाने के अंदर। बोम भाई पहले कह रहा हूँ, वो जो व्यूज वाला मैंने बताया वो सच है, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब चीज है इनके पुराने रिकॉर्ड्स का भी, तो ये मत सोचना कि मैं रफ्तार का हेटर हूँ या सिकंदर कालो का हेटर हूँ, मेरा फर्ज आप लोगों को बताना, क्योंकि कोई और रिएक्शन करेगा या कोई और इसके बारे में अपडेट नहीं देगा, बट मेरा फर्ज आप लोगों को बताना जो मैंने अपना फर्ज निभाया। तो फिलहाल लेट्स गो करेंगे, बूम करेंगे ब्लास्ट। महाराजा जिंदर महाल KKG रफ्तार मेंस म्यूजिक लैज आर्मी। My job is to pivot is hard, excuse me on my arrogance, but Punjabi is my heritage, blood of warriors been inherited, though I'm judged by the characteristics of my race and what my parents is, ain't no therapist that could fix up the wounds that I break in the ring, I'm on bare fists, there's not tears to this era to bring you my saga, the seat inside of me hotter than lava, they try to keep me down at the bottom of my Maharaja rises to power, the tower devours, shocking the nation, conquer with muscle and education, of competition, no opposition can stop my mission and confrontation, your proposition, agenda to thinking and hindering gender. भाई अपने जो इनका कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को एक तरीके से डिफाइन कर रहे हैं इस रैप के अंदर, और जो फ्लो है यार बहुत सही चीज़ है, और पंजाब को रिप्रेजेंट भाई हमारे यहाँ को रिप्रेजेंट करते हैं भाई जिंदर महल, और पंजाबी है, और ये पोस्टर भी भाई बहुत सही लग रहा है, सबने एक पंजाबी वाला लुक दे रखा है अपना, और बीच में भाई जिंदर महल बैठे हुए हैं भाई। Opposition can stop my mission and confrontation. Your proposition, agenda to thinking and hindering, generous gonna get rid of you when you recognize ain't no winning ahead of you. When I'm wrecking you, when I'm ringing, I'm pinning you. It's a colossus, crush you with a colossus. And with that, I finish you. Made something out of nothing. Joby, I just made it something. Cut them. बातें ना सुनूं मैं जैसे डेफ हूँ, मारू रूल भूल के क्योंकि मैं ही तो रेफ हूँ, हाँ मैं बेस्ट हूँ तेरे लिए मैं टेस्ट हूँ, मरना जाए हाथों से कोई तभी मैं स्ट्रेस दूँ, मेरा गया सुना ना। ओ, ओ, ओ,
तभी तो मैं स्ट्रेस रूम में रह गया था ना भाई साहब, ये जो फ्लो था एकदम से चेंज, और मेरे को वाला फील आ गया मेंस म्यूजिक के साथ आया था ना पहला, तेरा मैं धीरे से सुना एक एक लाइन मैं तुझको समझाऊ, तो वही वाला फील मेरे को इसके अंदर इसका रफ्तार सर का लगा। और जब जब मैं यार गाने सुनता हूँ रफ्तार के, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यस यही रफ्तार हमको चाहिए, जब जब मैं सुनता हूँ भाई ऐसा फील होता है। और मेरे को लग रहा है ये गाना भी शायद बहुत पहले का रिकॉर्डेड है मेरे ख्याल से, और जो फ्लो चेंज हुआ वो एक अलग ही चीज। मरना जाए हाथों से कोई तभी मैं स्ट्रेस दू, मेरे आगे हंसना ना कभी मेरे हाथों में फंसना ना, तू सांप है सांपों से पूछ ले सांप भी बोलेंगे राखू तो डसना ना, आई एम एनिमल खाऊं तुझे मैं कैनिबल, बोलो मुझे शेर या बोलो मिस्टर जिंदर महाल, फ्रॉम कनाडा पंजाब का मैं बेटा, एनी नोबडी बेटर तेरे लिए मैं थ्रेट, खाली करा मैंने आर आई एन जी एस आई एन जी एच यानी के आई एन जी। ये कितना सही रैमिंग पैटर्न बेटा, खाली से ग्रेट खली भी हो गया, खाली करा मैं रिंग आ रहा है आई एन जी एस आई एन जी यानी के एन जी रिंग इज किंग, का मैं बेटा एनी नोबडी बेटर तेरे लिए मैं थ्रेट, खाली करा मैंने आर आई एन जी एस आई एन जी एच यानी के आई एन जी। पंजाब दा रिश्ता मेरा कणकाना, वेरी मैं पजामा सारे मार मार भड़काना, लगा टैम पर बन गया चैंप, लादा वर्ल्ड मैप ते पंजाबियां दा स्टैंप, तुरां जिवें तुरदा शेर गुर दा वे किसे दी नहीं सुनदा वे, शिकार चुनदा फिर उन्हां नूं पुन्नदा वे, नहीं थकदा ए किसे नूं फक ना दे, यही ये दा वे है, सवा लख ना लड़े इन्ना दा मे दे चे है, पुछ ला किसे नू भी इन्ना reputed, जम्मी आसी ते मरूगा undisputed। बहुत ही भारी ट्रैक था यार, बहुत ही भारी ट्रैक था, और म्यूजिक बहुत कतलाना, और उसके ऊपर जो भाई बीट्स के ऊपर भाई जो रफ्तार और सिकंदर कालो आए वो बहुत ही खतरनाक, और हुक के अंदर भाई मेंज म्यूजिक थे, और स्टार्टिंग का जो इंग्लिश वाला फ्लो था वो भी बहुत खतरनाक, और सिकंदर कालो भाई जब जब सिकंदर कालो का मैं वर्स सुनता हूँ, सिकंदर कालो का भाई सीन ऐसा है कि जब जब वो अगर किसी के साथ भी आते हैं ना तो भाई खा जाते हैं यार, होली शिट आई एम लूजिंग माय फक माइंड हियर, दिस गाइस आर लिट भाई, लिट भाई बहुत खतरनाक। और कमेंट जो है भाई आप यहाँ पे रियल वाले कमेंट आने वाले जो रियल नेम से होते हैं और जो रियल आईडी से होते हैं वो कमेंट यहाँ पे आने वाले, और अब धीरे धीरे देखना अब इसके जो व्यूज़ की जो पैटर्न है वो धीरे धीरे स्लो होगा, लाइक डिसलाइक का भी धीरे धीरे स्लो होगा, क्योंकि भाई मेरे मोहल्ले में बहुत सारे लोग यहाँ तक आते आते ऑफेंड होंगे कि यार तुमने रफ्तार के बारे में ऐसे कैसे कह दिया, सिकंदर कालो के बारे में ऐसे कैसे कह दिया, बट मैं इनके बारे में नहीं कह रहा, जो लेजरूस जो ये आर्टिस्ट है उनके बारे में कह रहा हूँ यार, इनका ये फेक व्यूज़ वाला मैटर चलता रहता है, बाकी रफ्तार का वर्ड सिकंदर कालो का वर्ड भाई हमेशा ही, सिकंदर कालो का वर्ड तो भाई हमेशा ही खतरनाक होता है, और रफ्तार पुरानी वाली चीजें याद दिला देते हैं यार रफ्तार, जब जब मैं रफ्तार के गाने सुनता हूँ तो बस यार ये मेरा रिएक्शन मिलता है। और बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो रफ्तार और सिकंदर कालो का कोलैबोरेशन हो गया, और मेंज म्यूजिक का भी लोग कहते हैं ना भाई मेंज म्यूजिक के साथ भाई रफ्तार को लेके आओ भाई कुछ पुराना चीज हो जाए, तो वो पुरानी चीज यहाँ पे दोहरा दी एक तरीके से देखा जाए तो ये मेरा रिएक्शन वीडियो था, बाकी आपका क्या पॉइंट है इसको सुन के जरूर बताना, बट टू बी ऑनेस्ट यार जो इसका जो म्यूजिक चल रहा था और म्यूजिक के ऊपर जो लैप पकड़ी यार रफ्तार ने और सिकंदर कालो ने वो एक अलग चीज़ थी, वो एक लिट चीज़ थी।